कृतिका सेंकर ने तो बहुत ही लंबा ब्रेक ले लिया है टीवी इंडस्ट्री से। जी हाँ, बीच में अभी कैमियो रोल प्ले करने के लिए छोटी सरदारनी में वो आई थी, लेकिन इसके अलावा बात करें तो पर्टिकुलर उन पर बेस्ड शो अभी तक कोई रिलीज़ नहीं हुआ है। जी हाँ, जब से कसम शो ऑफेयर गया है तब से कृतिका सेंकर कहीं भी नज़र नहीं आई हैं। तो ऐसे में आपको बता दें कि अपकमिंग प्रोजेक्ट की फिर से चर्चा होने लगी है। एक बार फिर से कृतिका सेंकर एक बार एक नए शो में नज़र आने वाली हैं, इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं। खबरें तो यूँ कहें बहुत लंबे टाइम से आ रही थी, लेकिन अगर देखा जाए तो कृतिका सेंकर का एक नया प्रोजेक्ट वही होने वाला है जो कि आप लोग डिमांड कर रहे थे। जी हाँ, कसम सीजन 2 की बात हो रही है। जैसा आप जानते होंगे, ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो रही है कि कसम का सीजन 2 आने वाला है। एकता कपूर इस शो के सीजन 2 पर तैयारी कर रही हैं। सो कब आएगा, किस तरह से आएगा, कितना डिफरेंट होगा, क्या कृतिका सेंकर और एक बार फिर से शरद मल्होत्रा की जोड़ी नज़र आएगी, या फिर यहाँ पर कुछ अलग कैरेक्टर्स होने वाले हैं, पूरी तरीके से अलग होने वाला है। सो जो भी होगा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है देखना। वहीं बात करें कृतिका सेंकर को लेकर, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं लोग। लंबे टाइम से उन्होंने ब्रेक लिया है टीवी इंडस्ट्री से, सो उनके फैंस उन्हें एक बार फिर से टीवी पर कमबैक करते हुए देखना चाहते हैं उन्हीं के शो पर, उन्हीं के ऊपर बेस्ड शो पर। जी हाँ, और बात करें अगर उनके अपोजिट में शरद मल्होत्रा नज़र आ जाए तो फिर कहना ही क्या है, क्योंकि अगर तक देखा जाए तो अभी तक कृतिका सेंकर की जोड़ी गुरमीत चौधरी और शरद मल्होत्रा के साथ ही पसंद की गई है, जो कि काफ़ी खूबसूरती से नज़र आई है टीवी पर्दे पर। ऐसे में उनके अपोजिट कोई भी नज़र आए, फैंस खुश ही होंगे। अगर कसम का सीजन 2 आता है तो शरद मल्होत्रा डेफिनेटली आने चाहिए। वहीं बात करें तो शरद मल्होत्रा के कई सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट आने वाले हैं, तो किस शो में वो नज़र आएंगे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जी हाँ, फैंस भी काफ़ी ज़्यादा इस बात से कंफ्यूज हैं कि विद्रोही शो को लेकर भी खबरें सामने आ रही हैं। तो वहीं बात करें रात्रि की यात्री वेब सीरीज में भी खबरें आ रही हैं, और फाइनली अब इस कसम के 2 की खबरें आने लगी हैं। ऐसे में फैंस को ये लग रहा है कि यहाँ पर सीजन 2 में स्टारकास्ट चेंज हो सकती है। सो फिलहाल के लिए तो यही लग रहा है, आगे का कुछ पता नहीं है। वहीं बता दें आपको, एक कृतिका सेंकर शरद मल्होत्रा ज़रूर से नज़र आने चाहिए, क्योंकि TRP अगर गेन करानी है तो डेफिनेटली यही एक्टर्स होने चाहिए, सीजन 1 के स्टार कास्ट होने चाहिए। तो देखते हैं मेकर्स आगे क्या करते हैं, कुछ भी क्लियर नहीं है, लेकिन सीजन 2 आने वाला है ये क्लियर ज़रूर है। कितना ज़्यादा एक्साइटेड हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अगर अच्छा लग गया हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।